स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। यूथ कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान। बीजापुर में आज जिला यूथ कांग्रेस और सिटी यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के अंबेडकर सर्कल में एनआरसी सीएए और एनपीआर के विरुद्ध में संविधान बचाओ देश की रक्षा करो के नाम पर रैली करके इस कानून का कड़ा विरोध किया गया। प्रदर्शन में बात करते हुए जिला अध्यक्ष अब्दुल कादर खादिम और एडवोकेट डीएस मुल्ला ने कहा कि ये सब आरएसएस की चाल है। ये लोग संविधान को बदलकर अल्पसंख्यक दलितों और गरीबों पर अत्याचार करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने नहीं देंगे। जब तक इस कानून को खत्म नहीं किया जाता हम इसका विरोध करते रहेंगे, कहा अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने। इस मौके पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में अभिमानी रहे मौजूद। बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में कांग्रेस यूथ कमेटी की ओर से संविधान बचाओ के किनारे लगाते हुए यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहां पर जमा हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಾಜಕತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಹೋರಾಟ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಎನ್ಪಿಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿರೋಧ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅದ. ಇದು ಇದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ದೇಶೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಬಿ ಎಸ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಾನಿಬ್ಸೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕರೋ ನಾರೋಗ್ಯ ತಹತ್ ಜೊ ದೇಶ ಮೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೋನೋನೆ पहले ही बताया था कि इन लोगों ने हम लोग संविधान को बदलाएंगे 2014 से। इनका एक मकसद है और इनका एक मंशा है। संविधान में क्या है बोले तो फर्स्ट वी द पीपल इंडियन बोल के हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये नहीं बताया हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ मुसलमान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के एक फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन ही वो ही है तो उसके तहत इन्हों देश को चलाना, इनके तहत देश को चलाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब देश आज़ाद होने के बाद इन सब चीज़ों का जायजा रखते हुए संविधान बनाए थे। उस संविधान में ये हिंदू जो आरएसएस के लोग हैं, हिंदू संघ के लोग हैं, इन्होंने अपना जातीय फायदे के लिए संविधान को बदलाने का काम करा है। आज संविधान हमारे देश में नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का संविधान एक ग्रेटफुल संविधान है। इसकी हर एक लिए इज्जत करते हैं। वैसे संविधान को आज इन्होंने मिटाने जा रहे हैं बोले तो इस देश का एक विरोध है, देश विरोधी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग बार 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 एहतजाज करें। हिंदुस्तान में हर एक स्टूडेंट, हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, हर एक एडवोकेट, पढ़ा लिखा तबका, ना पढ़ा लिखा तबका, सभी भी विरोध करें तो ये खामोश बैठे। इसका मकसद क्या है? ये हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं या हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप और अमित शाह दो मिलकर पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले हुए। आज आपके बीजेपी के नेता, कई नेता इसका विरोध करते कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी सुन रहे हैं तो आपका मकसद क्या है?
देश को पूरा टोटली आप तोड़ने की लत लगी है आपको। आप प्रोटेस्ट कब तक करते रहे? जब तक इस चीज़ों को उन्होंने हाथ नहीं जोड़ते। अब जैसे कि 370 का मामला है, उसके बाद 3 तलाक का हुआ, उसके बाद CAA, NPR, इन चीज़ों का मसला है। जब तक ये नहीं छोड़ते तब तक हम इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इसका खंडन करते रहेंगे। अब्दुल कादर है, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। अमित शाह के न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ January 5 ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती है, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निंगल रहा हूँ या निंगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निंगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करे, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करे। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है, इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था, ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।